हाय गाइस, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टॉप 5 फोन्स की जो आप ले सकते हो 20,000 रुपए के अंदर। अप्रैल का मंथ चालू हो गया और यहां पर जो फोन्स हैं वो भी नए आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी फोन्स के अंदर आपको जो फीचर है काफी लाजवाब देखने को मिलेंगे। लास्ट सीरीज के मुकाबले यहाँ पर जो फोन्स हैं काफी अच्छे और बढ़िया क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो 5 फोन आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे 20,000 रुपए के अंदर अप्रैल का मंथ और 2021। पहले अगर मैं फोन की बात करूं तो ये निकल के आता है नार्जो का 30 प्रो। हाल ही में ये फोन लॉन्च हुआ था, उसके जो स्पेक्स हैं काफी लाजवाब हैं और प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो यहां पर इस फ़ोन के साथ सबसे पहला जो स्पेक्स मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इसका 5G होना। ये बजट रेंज के अंदर ये फ़ोन है और यहां पर आपको 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। 6.5 इंच की डिस्प्ले और यहां पर आपको FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहां पर आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैमराज की अगर बात करूं तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल और उसके साथ में 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेल्फी की तो 16 मेगापिक्सल की जो सेल्फी है वो इस फोन के फ्रंट कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बैटरी आउटपुट की तो यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी यानी कि 5000 mAh की जो बैटरी है वो फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो आपको अच्छा खासा जो बैटरी बैकअप है वो निकाल के देगी। इसके साथ साथ इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 30W का जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिलता है। अब यहाँ पर फ्लैगशिप फोन्स के अंदर जरूर आपको बॉक्स से बाहर मिलेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर सभी फोन्स के अंदर आपको जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की तो यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एमोलेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है साइड माउंटेड ही देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड या फिर मैं बोल सकता हूँ पॉलीकार्बोनेट जो बिल्ड है वो देखने को मिलती है और ठीक ठाक आपको बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसर बहुत अहमियत रखता है इस फोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 5G प्रोसेसर मिलता है। MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 800U जो प्रोसेसर है ये इसमें यूज हुआ है। काफ़ी बढ़िया जो प्रोसेसिंग मैं कहूँगा पावर है इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिलेगी। डेली रूटीन के अंदर आपको कोई भी लैग या फिर मैं कहूँगा हैंग जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया हो जाएगा आपका जब आप इस फोन के साथ इस किसी गेम वगैरह को खेलते हो या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो इस फोन के साथ। इसके बाद अगर बात करूं कि कीमत की, यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट है 6GB और 64GB वाला, उसकी अगर हम बात करें तो 16,999 रुपये के आसपास आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। अब छोटी सी जो कमियाँ इस फोन की वो बता दूँ, यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर 3.5 का जैक जो आपको होना चाहिए गेमिंग फोन के अंदर वो जरूर देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे फोन की इस लिस्ट के अंदर, ये है रियलमी की तरफ से आने वाला उनका हाल ही में लॉन्च हुआ फोन, ये है रियलमी 8 प्रो। इसकी बात कर लेते हैं और इसके स्पेक्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं उन चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 7 प्रो से बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा ये फ़ोन, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि कीमतें कम की गई हैं तो उस हिसाब से इस फ़ोन को इस लिस्ट में रखा गया है। इसकी बात कर लेते हैं 6.4 इंचेस की, यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें कि पीछे की तरफ आपको जो कैमरा सेटअप है वो मिलता है 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके साथ 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के मैं कहूँगा फ्री के जो पैक्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की तो 16 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा सेल्फी है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 4500 mAh की बैटरी रखी गई है और बॉक्स के अंदर आपको 65W का जो चार्जर है वो मिलता है, लेकिन फ़ोन सपोर्ट करता है 50W के चार्जर को, तो ये काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। आपका जो फ़ोन है लगभग 47-48 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले के अंदर रखा गया है और ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर स्मूथ काफ़ी होने वाला है पिछली जनरेशन के मुकाबले, 7 के मुकाबले। इसके बाद अगर बात करूं यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है। न्यू डिज़ाइन है, 4 कैमराज का जो सेटअप है काफ़ी अल्टीमेट लगता है। इसके बाद अगर बात करूं ये फ़ोन 4G है, काफ़ी लोगों को लगेगा इस रेंज के अंदर 5G मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 4G है, तो स्पेक्स की कुछ ना कुछ यहाँ पर आगे पीछे करके फ़ोनों को बनाया जाता है, तो यहाँ पर आपको 4G मिलेगा। 720G जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है वो आपको 3 जनरेशन से इसी सीरीज में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग काफ़ी कम रखी गई है पिछले फोन्स के मुकाबले।
प्रोसेसर वाइज अगर आप देखते हो तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, आपको डेली रूटीन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी स्मूथ रहता है आपका फ़ोन और अच्छे खासे जो काम है वो आराम से कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर और 3.5 का जैक भी है। कीमतों की बात करें तो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट जो कि 6GB 128GB वाला है वो यहाँ पर लगभग 17,999 रुपये का देखने को मिलेगा। बाकी कार्ड्स वगैरह का जो ऑफर वगैरह वो चलते रहते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पर लगभग 1,000 रुपये का ऑफ शायद मिल जाए आपको जब आप फ़ोन को देख रहे होंगे। दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे फ़ोन की, ये है पोको का X3 Pro। ये सक्सेसर रहेगा X3 का। अब यहाँ पर जो स्पेक्स हैं काफ़ी अल्टीमेट हैं और काफ़ी बढ़िया फ़ोन है गेम लवर्स के लिए, और यहाँ पर जो स्पेक्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं। इसकी बात करें 6.67 इंचेस की यहाँ पर FHD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई AMOLED नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 120Hz का जो फास्ट रिफ्रेश रेट है वो इस फोन के अंदर या फिर डिस्प्ले के अंदर डाला गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो कैमरा सेटअप है वो मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप, जहाँ पर आपको 48 MP का जो मेन सेंसर है वो पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 8 MP + 2 MP + 2 MP के जो कैमराज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 20 MP का जो फ्रंट कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर बैटरी की बात की जाए तो लगभग 5160 mAh की जो बैटरी है वो यहाँ पर डाली हुई है, और पिछले वाले फ़ोन के मुकाबले यहाँ पर बैटरी को थोड़ा कम किया गया है। हो सकता है इसका साइज़ को थोड़ा सा पतला बनाने के लिए जो बैटरी है उसको थोड़ा सा कम किया हो। बाकी यहाँ पर आपको 33W का जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिलता ही मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और इसके साथ जो क्वालिटी है बिल्ड की वो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों प्रोसेसर की बात करूँ, अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये स्नैपड्रैगन का 860 वाला जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये सक्सेसर है 855 का या फिर 855 प्लस का, और ये 5G रहने वाला, तो यहाँ पर ये फ़ोन 4G रहने वाला है और यहाँ पर ये जो 5G है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ बात करूँ जो परफॉर्मेंस है इस प्रोसेसर की काफ़ी बढ़िया और अल्टीमेट रहने वाले गेमिंग लवर्स के लिए या फिर जो हार्डकोर गेमर होते हैं उनके लिए स्पेशली बनाया गया इस प्रोसेसर को, और इस प्रोसेसर को डाला गया इस फ़ोन के अंदर, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। 120 हर्ट्ज की स्पीड प्लस में ये वाला जो प्रोसेसर है काफ़ी अल्टीमेट होगा, स्मूथ रहने वाला हर चीज़। इसके साथ अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB 128GB वाला जो बेस वेरिएंट है 18,999 रुपये का देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड सिम देखने को मिलेगी, लेकिन 3.5 का जैक आपको देखने को मिलेगा फ़ोन के अंदर। दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे फ़ोन की। अब काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो इन फ़ोनों को नहीं लेते हैं, सैमसंग की तरफ उनका जो रुझान होता है वो रहता ही रहता है, चाहे वो फ़ोन कैसा भी हो या फिर सैमसंग के लवर होते हैं। तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर हमें फ़ोन लेके आए जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, काफ़ी बढ़िया स्पेक्स के साथ, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ, और काफ़ी अच्छा ये फ़ोन मुझे लगा। बाकी इसकी बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। 6.7 इंचेस की FHD डिस्प्ले देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, सैमसंग का फ़ोन है तो सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, और काफ़ी बढ़िया आपको जो डिस्प्ले है वो देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ बात करें तो पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप है, जहां पर आपको 64 MP का मेन सेंसर मिलता है। उसके साथ साथ यहां पर आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, और उसके साथ साथ 5 MP + 5 MP के दो सेंसर और आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रंट सेंसर यहाँ पर आपको 32 MP का दिया हुआ है, जो काफ़ी बढ़िया सेल्फी आपकी निकाल के देगा। 7000 mAh की जो बड़ी बैटरी है वो इस फ़ोन के अंदर मिलती है, इसके जिसको चार्ज करने के लिए आपको 25W का जो चार्जर है वो भी बॉक्स के अंदर मिलता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात हुई। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और यहाँ पर जो बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट रखी गई है। बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो एक्सिनोस का प्रोसेसर जरूर है, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आप मान सकते हो कि स्नैपड्रैगन के 720G या 730G को भी बीट कर सकती है, ऐसी जो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, 3.5 का जैक भी देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। 6GB 128GB की जो नॉर्मली आपको जो प्राइस है वो देखने को मिलेगी शायद 23,999 रुपये फ्लिपकार्ट के ऊपर, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये फ़ोन 20,000 रुपये के आसपास आना चाहिए, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, लगभग 2,500 रुपये का लगभग आपको जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा, तो आपकी जो फ़ोन की कीमत है लगभग 21,000 रुपये के आसपास रह जाएगी, और ये जो बात हम कर रहे हैं ये 20,000 रुपये के फ़ोन के आसपास की कर रहे हैं। लेकिन सैमसंग लवर हो तो मैं कहता हूँ कि 21,000 रुपये का खर्च कर रहे हो तो सैमसंग की तरफ से एक अच्छी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है जो सैमसंग के लवर है उनके लिए।
दोस्तों बढ़ते हैं अपने पांचवें फोन की तरफ। अब इस लिस्ट के अंदर मतलब दो फोन्स आते हैं, मैं कहूंगा दोनों फोन्स एक ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी यहां पर डिफरेंशिएट करना जरूरी है। यह है रेडमी की तरफ से आने वाला उनका नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स। अब यहां पर सिर्फ 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसका फर्क है, बाकी आपको सेम फोन देखने को मिलेगा। तो हम वैल्यू फॉर मनी वाले फोन की बात करेंगे, प्रो की बात करेंगे सिर्फ। तो यहां पर आपको 6.67 इंचेस की जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है। अब यहां पर आपको मैं कहूंगा कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस में आपको 120 हर्ट्ज का जो फास्ट रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहां पर आपको 1200 निट्स की जो ब्राइटनेस है वो इस डिस्प्ले के अंदर मिलती है। मतलब डिस्प्ले के मामले में ये फोन अल्टीमेट है। इसके बाद हम बात करें यहां पर आपको जो कैमरा है वो भी काफ़ी इंप्रूव है पिछले मुकाबले। यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसके साथ साथ 5 मेगापिक्सल का मैक्रो जो कि 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा दिया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया आपको फोटो निकाल के देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी 5020 mAh की जो बैटरी है वो मिलती है। उसको चार्ज करने के लिए 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको जो फिनिश है या फिर बिल्ड है यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। ग्लास बिल्ड आपको देखने को मिलती है पीछे की तरफ, फ्रॉस्टेड ग्लास उसको नाम दिया गया है। 4G फोन है, यहाँ पर ये कमी लग सकती है आपको इस प्राइस रेंज के अंदर। बाकी अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो 732G यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो यूज़ किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, अच्छा खासा प्रोसेसर है। गेमिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, स्मूथ आपको सारी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको 3.5 का जैक, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा जैसे कि हमने बात की थी। और यहाँ पर कीमत की बात कर लेते हैं, 6GB 128GB अगर मैं प्रो वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे 16,999 रुपये। बाकी दूसरा जो वर्जन है उसके जो प्राइसेस हैं वो इससे थोड़े से हाइक मिलेंगे। बाकी 20,000 रुपये के अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी अल्टीमेट फ़ोन है दोनों ही। बस यहाँ पर आपको जो मेन सेंसर है 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल उसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो पांच फ़ोन जो आप ले सकते हो अप्रैल मंथ के अंदर और 2021 के अंदर 20,000 रुपये के अंदर। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। अगर आपकी लिस्ट के अंदर या फिर जो मेरी लिस्ट है उसके अंदर कोई फ़ोन मैच नहीं होता या फिर आपको लगता है कि ये फ़ोन इस लिस्ट के अंदर ज़रूर आना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।